जारे कारे बदरा बन मुके बा, वो है ऐसे बेहद मासूम चेहरा और मीठी आवाज वाली यह अदाकारा इतनी खूबसूरत थी कि वो आज तक लोगों के दिलों में रहती हैं। भले ही आज की पीढ़ी उन्हें ना जानती हो, पर उनके दर्शक उनके खूबसूरत चेहरे और शानदार अभिनय को कभी नहीं भुला सकते। मात्र 10 साल की उम्र में ही हीरोइन बनने वाली इस अभिनेत्री को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सका। एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहे। सादगी और सुंदरता से सजी यह अदाकारा लोगों को ग्लैमरस रोल में नहीं भाती थी, बल्कि जब वो सीधी सादी अदा से पर्दे पर उतरती तो दर्शक उनके दीवाने हो जाते थे। जानते हैं इनका पूरा परिवार फिल्मों से जुड़ा था, बावजूद इसके जब वो फिल्मों में आईं तो उन्हें भी बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्या आप यकीन करेंगे कि अपनी पहली फिल्म में उन्हें जबरदस्ती काम करना पड़ा था। क्यों इस खूबसूरत अभिनेत्री को जो लाखों दिलों की धड़कन थी अपनी पूरी जिंदगी अकेले गुजारनी पड़ी। क्या आप जानते हैं इनके प्यार का ऐसा दुखद अंत हुआ था कि वो सोचकर रूह कांप उठती है। आज इनके बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्लासिक एरा। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें। आज हम बात कर रहे हैं गुजरे जमाने की बेहतरीन अभिनेत्री नंदा के बारे में। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों। एक ऐसी अभिनेत्री जो सिर्फ 5 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करने लगी थी। इनका जन्म 8 जैन ईयर 1939 में कोल्हापुर के एक मराठी परिवार में हुआ। इनके पिता विनायक दामोदर कर्नाटकी मराठी फिल्मों में मास्टर विनायक के नाम से जाने जाते थे, जो एक्टर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे। वी शांताराम इनके करीबी रिश्तेदार थे, या फिर यूं कहें कि नंदा के चाचा थे। ईयर 1944 में नंदा के पिता ने बेबी नंदा को अपनी फिल्म मंदिर में एक लड़के के रोल में उतारा, जिसकी वजह से 5 साल की नंदा के बाल काटने पड़े और उस वजह से वे अपने पिता से बेहद नाराज हो गईं। विनायक दामोदर स्वयं ही इस फिल्म का निर्माण कर रहे थे। दुर्भाग्यवश फिल्म के बीच में ही मास्टर विनायक का निधन हो गया। बेबी नंदा के और भी 6 भाई बहन थे और अब हालात ये थे कि घर का खर्चा चलाने के लिए छोटी नंदा को फिल्मों में काम करना था। जब वे मात्र 10 साल की थी तो मराठी फिल्म कुल देवता के लिए निर्देशक दिनकर पाटिल ने उन्हें लीड रोल में लिया। इसमें नंदा को बेहद पसंद किया गया, यहाँ तक कि उन्हें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस फिल्म के लिए सम्मान भी मिला। इसके बाद उन्होंने कुछ मराठी और गुजराती फिल्मों में काम किया। ईयर 1956 में वी शांताराम ने नंदा को अपनी फिल्म तूफान और दिया में मेन लीड के लिए कास्ट किया। और वहीं से नंदा का हिंदी फिल्मों का सफर शुरू हो गया। लिखा है तेरी ईयर 1959 में आई फिल्म छोटी बहन,
जिसमें नंदा ने बलराज साहनी और रहमान की अंधी बहन का किरदार निभाया। वैसे तो वे तूफान और दिया में अंधी लड़की का किरदार निभा चुकी थी, पर एक बार फिर ये किरदार करना उनके लिए काफी चैलेंजिंग था। उम्मीद के मुताबिक ये फिल्म काफी सफल रही और दर्शकों ने नंदा को बेहद पसंद किया। बाहों में बहारों में खिलाता गाता आया कोई। अब नंदा की छवि एक बहन के रूप में बनती जा रही थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय सैकड़ों दर्शकों ने नंदा को राखियां भेजी थी। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटे। अपनी बहन की छवि के कारण उन्हें सभी बहन के रोल ही मिल रहे थे और एक बार फिर एक और फिल्म में वो देवानंद की बहन के रोल में नजर आई। ये फिल्म थी काला बाजार, जो ईयर 1960 में रिलीज हुई। ना मैं धन चाहूं, ना रतन चाहूं, तेरे चरण। हालांकि उन्हें काफी पसंद किया जा रहा था, पर नंदा अब इस इमेज से बाहर निकलना चाहती थी। परिणाम स्वरूप फिल्म धूल का फूल में उन्हें राजेंद्र कुमार के ऑपोजिट कास्ट किया गया। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और यहीं से नंदा अपनी बहन की इमेज तोड़ने में कामयाब रही। झुकती घटा गाती हवा सपने जगाए, नंदा सा दिल मेरा मचल मच। ईयर 1961 में नंदा फिर से देवानंद के साथ फिल्म हम दोनों में नजर आई और यहाँ वो देवानंद की बहन नहीं बल्कि देवानंद की पत्नी के रूप में दिखाई दी। वैसे तो नंदा अपने जमाने के सभी सुपरस्टार्स के साथ काम कर रही थी, लेकिन उन्हें नए एक्टर्स के साथ काम करने से भी कोई परहेज नहीं था। जहां वो भाभी में जगदीप के साथ नजर आई, वहीं कैदी नंबर 911 में वो महमूद के साथ दिखाई दी। चली चली रे पतंग मेरी, चली रे, चली चली रे पतंग मेरी, चली रे। मीठी बात से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। नंदा की फेवरेट कलाकार रहे शशि कपूर। तकरीबन 8 फिल्मों में वे शशि कपूर के साथ नजर आए। हसीन बाहों में जिंदगी की राहत है, इसलिए सब हसीनो। ईयर 1961 में चार दीवारी और 1962 में मेहंदी लगी मेरे हाथ में वे शशि कपूर के साथ दिखाई दी। नहीं, मुझे नहीं लगवानी मेहंदी। अच्छा बाबा, नहीं लिखता नाम, नहीं लिखता। मर्द एक बार किसी का हाथ पकड़ते तो फिर कभी नहीं छोड़ते। क्या देख रहे हैं आप? देख रहा था आपके हाथ कितने खूबसूरत। लेकिन ईयर 1965 उनके लिए बहुत खास रहा। उनकी फिल्म जब जब फूल के लिए इस साल की सुपरहिट फिल्म साबित हुई और इसमें भी वे शशि कपूर के साथ थी। हमको है पता जो तुम्हारी दास्तां थी, होंठों पे तो ना थी। इसी साल नंदा की दो और फिल्में तीन देवियां और गुमनाम भी उनकी सफल फिल्मों में शामिल हो गई। जाने चमन शोला गगन पहलू में आ जाओ। इसके बाद आई फिल्म पति पत्नी, जिसमें उनके ऑपोजिट संजीव कुमार थे। ये फिल्म भी सफल रही, जो ईयर 1966 में रिलीज हुई। में ही उनकी एक और फिल्म नींद हमारी ख्वाब तुम्हारी ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया। फिल्म परिवार में भी जितेंद्र के साथ कैसा दोस्त है तुम्हारा, उल्टी सीधी बातें कर रहा था। उल्टी सीधी नहीं, सीधी सीधी बात कर रहा था। एक दिन तो भाभी बनोगी। क्या? मेरी नहीं, उसकी। बेदाग में मनोज कुमार के साथ जाने और
और धर्मेंद्र के साथ मेरा कसूर क्या है मैं नजर आई। कोई आने वाला है, कोई आने वाला है, चांद की डोलिया पे। ईयर 1968 में आई फिल्म अभिलाषा और जुआरी ने उनके करियर में चार चांद लगा दिए। ईयर 1969 में आई फिल्म धरती कहे पुकार के भी नंदा की एक शानदार फिल्म रही। फूल हूँ मैं वो पवन बसंती क्यों मेरा संग धरे। इसमें भोली सी दिखने वाली नंदा ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस फिल्म के गाने भी फिल्म के सुपरहिट होने का बहुत बड़ा कारण थे। आदे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो। लेकिन अब नंदा भोली भाली लड़की की इमेज से बाहर आकर कुछ नया करना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने फिल्म इत्तेफाक में नेगेटिव किरदार भी स्वीकार कर लिया। इस रोल को माला सिन्हा और साधना पहले ही रिजेक्ट कर चुके थे, लेकिन नंदा ने इसे एक चैलेंज की तरह स्वीकार कर लिया। फिल्म इत्तेफाक में नंदा के ऑपोजिट राजेश खन्ना थे और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस किया। चला दो बोले, बहुत चलाक बनती हो। जो कपड़े पसंद हो निकालो। तुम्हारा पति अच्छे कपड़े पहनता, क्या काम करता? सेल्स एग्जीक्यूटिव। ईयर 1970 में राजेश खन्ना के साथ ही उनकी एक और फिल्म द ट्रेन भी रिलीज हुई। ईयर 1972 में नंदा और राजेश खन्ना की एक और फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम था जोरू का गुलाम। अब तक राजेश खन्ना एक सुपरस्टार बन चुके थे, लेकिन ये कहा जाता है कि राजेश खन्ना ने खास तौर पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये हिदायत दी थी कि उनके नाम से भी पहले पोस्टर्स पर और फिल्म में नंदा का नाम आना चाहिए। बरस गई रे, तरस गई रे, तेरे तरस को नजरी। ईयर 1972 में ही रिलीज हुई उनकी फिल्म शोर, जिसमें नंदा ने मनोज कुमार के ऑपोजिट एक छोटा सा रोल निभाया। उसके बाद कुछ दो तीन फिल्में और आईं, जैसे छलिया और नया नशा। ये फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और ईयर 1974 में 5 वर्ष की उम्र से काम कर रही नंदा ने एक्टिंग लगभग बंद कर दी। एक बार फिर ईयर 1982 में वे पर्दे पर आई, पर बतौर हीरोइन नहीं बल्कि कैरेक्टर रोल्स में। ये फिल्में थी आहिस्ता आहिस्ता, मजदूर और प्रेम रोग। फिल्म प्रेम रोग में नंदा ने पद्मिनी की माँ का किरदार निभाया था। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखा। यहाँ भी दर्शकों ने उन्हें खूब पसंद किया। इत्तेफाकन अन्य दो फिल्मों में भी नंदा की बेटी पद्मिनी कोल्हापुरी ही थी। ये तीनों फिल्में सफल रही, पर एक्टिंग करते करते थक चुकी नंदा ने पूरी तरह से इसके बाद फिल्मों से संन्यास ले लिया। अगर बात करें उनकी निजी जिंदगी के बारे में, तो यह अदाकारा जो बचपन से अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी निभा रही थी, उन्होंने कभी अपने लिए कुछ सोचा ही नहीं। फिल्म जब जब फूल खिले के डायरेक्टर सूरज प्रकाश ने बताया था कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान भी एक मिलिट्री ऑफिसर ने उनके घर शादी का प्रस्ताव भेजा था, पर नंदा ने वो स्वीकार नहीं किया। नंदा के भाई भी उनके लिए बहुत से प्रस्ताव लाते रहे, पर नंदा ने हमेशा इनकार ही किया। डायरेक्टर मनमोहन देसाई, जो नंदा से बेहद प्यार करते थे, लेकिन नंदा के शर्मीले स्वभाव के कारण उनसे कभी इजहार नहीं कर पाए। वो नंदा से इस कदर प्यार करते थे कि उन्होंने ईयर 1969 में एक लड़की से सिर्फ इसलिए शादी कर ली
क्योंकि वो नंदा जैसी दिखाई देती थी। दुर्भाग्यवश शादी के 10 साल बाद ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। ईयर 1992 में मनमोहन देसाई और नंदा की सगाई हो गई। दरअसल वहीद रहमान जो शुरू से ही नंदा की करीबी दोस्त थी, उन्होंने नंदा और मनमोहन देसाई को फिर से मिलवाया, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को मन ही मन चाहते थे, इसलिए ये सगाई संपन्न हो गई। पर शादी को आगे के लिए टालना पड़ा, क्योंकि नंदा की माँ कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना घटी जिससे नंदा कभी भी नहीं उभर पाई। दरअसल 1 मार्च ईयर 1994 में मनमोहन देसाई की अपने घर की बालकनी से गिरकर मृत्यु हो गई, और इस घटना के 1 साल बाद ही उनकी माँ की भी मृत्यु हो गई। अब नंदा सिर्फ अपनी फैमिली और कुछ करीबी दोस्तों तक ही सीमित थी। वे बेहद कम बोलने लगी। वैसे तो वे बहुत ही कम बाहर आती जाती थी, पर इस घटना के बाद नंदा हमेशा सफेद कपड़ों में ही दिखाई दी। और फिर वो दिन आया जब इस खूबसूरत भोली सी अभिनेत्री ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 25 मार्च ईयर 2014 में नंदा अपने किचन में खाना बना रही थी, और उसी वक्त वे अचानक से गिर गईं और उनकी मृत्यु हो गई। दरअसल उन्हें हार्ट अटैक आया था। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और यदि आपके पास हमारे लिए कोई सजेशंस हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सुन रहे थे अपनी होस्ट और दोस्त ज्योति को। आज के लिए अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी, और फिर मिलेंगे एक दूसरे सितारे के जीवन की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।